हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय उपकरण से रिलेटेड न्यूमेरिकल सीखते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है कि आप लोगों के पास एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है अगली बस में, जिसमें एक लार्ज मिरर, एक बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ है। वो दर्पण क्या है आप लोगों के पास? ऑब्जेक्टिव मिरर है। ऑब्जेक्टिव मिरर मतलब अभिदृश्यक, ठीक है ना? अभिदृश्यक दर्पण है। अभिदृश्यक क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, बट इट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट से रे चल के आएंगी, सबसे पहले जिस पर गिरेंगी, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव मिरर दे रखा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है, एक तरीके से 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन पर मैं यहाँ पे एफ नॉट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो ये तो आर नॉट दे रखा है ना, और एफ नॉट कितना हो जाएगा? आर नॉट अपॉन ए टू, तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक? उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, मतलब जो टेलीस्कोप है उसकी आवर्धन क्षमता बतानी है अपन को। इफ द आईपीस, आईपीस मतलब वही नेत्रिका, यूज्ड हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर, मतलब जो अपन आईपीस में जो लेंस यूज करेंगे उसकी फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखिए? 1.6 सेंटीमीटर दे रखिए। अरे बस में, तो अब अपन को कैलकुलेट करना है एम। अब मेरे पास m कैलकुलेट करने के दो तरीके, एक तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास m इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ टी, बताया था मैंने आपको, और एक फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन का होता है, m इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन में डी। एक अपने पास ये फॉर्मूला होता है, एक अपन लोगों के पास है लीस्ट विजन, ठीक है ना, लीस्ट विजन ऑफ डिस्टेंस, इट मीन्स न्यूनतम दृष्टि दूरी के लिए, और एक अपन लोगों के पास व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। आई बात में, तो एक मैं करता हूं, एक आप लोग मुझे करके बताएंगे, ठीक? तो एफ नॉट अपॉन में एफ ई, अब एफ नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी आप लोगों को? 40, तो या 40 अपॉन में एफ ई कितना दे रखा है? 1.6, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 1.6। सॉल्व कर दे इसको, ठीक? अब ये 4 से कितने टाइम जाएगा? 100 टाइम, और ये 4 टाइम, और ये से कितने टाइम चला जाएगा आप लोगों के पास? 25 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक? तो आप लोगों के पास यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 25 आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन। आई बस में, इट मीन्स जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है उसका कितने टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया आप लोगों के पास? 25 टाइम्स क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? मैग्निफिकेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड एज इट इज क्वेश्चन नंबर वन की तरह वही एज इट इज अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज अ लार्ज मिरर फॉर इट्स ऑब्जेक्टिव विद फोकल लेंथ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना? आप लोगों को एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दूरदर्शी दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव मिरर है, अभिदृश्यक दर्पण है, जिसकी फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखी है? 180 सेंटीमीटर दे रखी, मतलब आप लोगों के पास एफ नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है, एक तरीके से 180 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या हुई? इफ द आई पीस यूज हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब जो आप लोग नेत्रिका यूज करेंगे, ठीक है ना, इट मीन उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, मतलब एफ इक्वल टू आप लोगों को कितना दे रखा है, एक तरीके से 5 सेंटीमीटर दे रखा है। वही दोनों केस में बात करेंगे, When final image is formed at infinity, और second when final image is formed at least distance of vision, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब निकट दृष्टि दूरी पर बनता हो। तो मैं तो अपन में एक बताता हूं, जैसे मैं वही f not upon में एफ ई वाला मैं बताता हूं, अगला आप लोग खुद करके बताएंगे मुझे कौन सा वाला, माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन में डी से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो एफ नॉट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? 180 हो जाएगा, 180, और एफ ई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है यहाँ पर? 5, कितना टाइम चला जाएगा ये? 3 टाइम चला जाएगा, ठीक? 36, तो आप लोगों के पास एक तरीके से यहाँ पर एम इक्वल टू कितना जाएगा? 36 मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसका। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से एक बार,
क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, अ स्मॉल टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, अभिदर्शक लेंस आ गया, और है तो अभी भी दूरदर्शी, लेकिन अब कौन आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हो गया कि नहीं हो गया। और इसकी फोकल लेंथ आप लोगों को, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 140 140 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को एफ नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, वही 140 सेंटीमीटर। और एंड एन आई पीस, और वही आप लोगों के पास नेत्रिका आ गया, नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मतलब अपन लोगों को एक तरीके से दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। अब हमेशा याद रखना, आवर्धन क्षमता दो तरीके से ज्ञात होगी, एक फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, और एक अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज कहां पर बनेगा आप लोगों के पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर। तो अपन दोनों इसमें दोनों पे बात करते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए अपन लोगों की। एक तो केस फर्स्ट, इसमें आप लोगों के पास एम इक्वल टू कितना जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ ई, और एक केस अपन लोगों के पास कितना है, एम इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन में डी हो जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, एम इक्वल टू आप लोगों के पास एफ नॉट की वैल्यू कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, तो जाएगा 140 अपॉन में कितना जाएगा 5, तो एम इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 28। तो यहां पे मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स हो जाएगा, 28 टाइम्स हो जाएगा। यहां पे देखना आप लोग, तो यहां पर एम इक्वल टू कितना जाएगा माइनस, ये कितना जाएगा 140 अपॉन में 5, और यहां पर जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन में 25। डी की वैल्यू आप लोगों को पता होती है ना, 25 सेंटीमीटर होती है, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है ना, जो विजन होता है वो कितना होता है 25, निकट जो निकट दृष्टि दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है कि नहीं होती है। तो ये से कितने टाइम चला गया, वही 28 टाइम चला गया, और यहां पर ये से कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम। ऐसी कंडीशन है, m इक्वल टू माइनस का 28, और यहां पर जाएगा आप लोगों के पास 1 प्लस 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो यहां पर आप लोगों के पास कितना जाएगा, m इक्वल टू जाएगा माइनस का 28 इंटू, ठीक है ना, यहां पर कितना जाएगा 6 अपॉन में 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस 148 अपॉन में 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा, ये सही है ना, यहां पे 148 12, यहां पे 6 आएगा, 6 168 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 15, ठीक है ना, फिर सॉल्व करोगे तो 15 और फिर 0.5 0.6। तो यहां पे मैग्निफिकेशन आप लोगों के पास कितना हो गया, 33.6 हो गया, और यहां पर मैग्निफिकेशन आप लोगों के पास एक तरीके से कितना है, 28 टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ। आई बात में, तो दोनों केसेस में अपन बात कर सकते हैं, दोनों केसेस कौन से, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और सेकंड केस क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है ना, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनता हो। आई बात में, तो ये वाला केस तो अपन लोगों के लिए हो गया एक तरीके से इनफाइनाइट वाला, और ये वाला हो गया एक तरीके से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला। आई बात समझ में, देखो इसको एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फोर देखो बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब अपन को क्या करना है, अपन लोगों को एक तरीके से आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, किसकी, किसी आवर्धित ग्लास, कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास है तो सिंपल सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही होगा, और उसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी दे रखी है अपन लोगों को 5 सेंटीमीटर। मतलब एक तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मेरे पास फोकस दूरी एफ कितना दे रखा है, एक तरीके से 5 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ठीक, अब सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में भी मेरे पास आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ज्ञात करने के लिए वही दो केसेस हैं। पहला केस क्या है आप लोगों के पास, केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। एक केस तो मेरे पास ही है,
और सेकंड केस मेरे पास क्या है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। एक केस मेरे पास है, इसमें क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, और यहां पे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, निकट दृष्टि दूरी पर बनेगा। आई बात में, अब याद करो जब अंतिम प्रतिबिंब, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है, तो याद करो एम इनफाइनाइट की जो वैल्यू अपने पास आई थी वो आई थी, याद करो आप लोगों के पास डी अपॉन में एफ। और जब आप लोगों के पास फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, निकट दृष्टि दूरी पर बनती है, तो जो मैग्निफिकेशन आता है एम डी, वो आप लोगों के पास आता है वन प्लस डी अपॉन में एफ। आता कि नहीं आता? अब देखना d की वैल्यू कितनी, आप सबको पता है कि d की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों के पास, 25 होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर कितना लगेगा, 25 अपॉन में 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास f इनफाइनाइट की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब इस वाले केस में मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। तो इस वाले केस में आप लोगों के पास कितना जाएगा, 1 प्लस 25 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, 1 प्लस 5 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहां पर आप लोगों के पास जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। अगली बात में आप लोगों को, तो बेटा याद रखना कि अगर कोई भी, चाहे वो टेलीस्कोप दे आप लोगों को, ठीक ना, चाहे आप लोगों को रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दे या फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दे, ठीक है ना, कैसा भी दूरदर्शी दे आपको वो, ठीक। उसके बाद अगर वो बात करता है सूक्ष्मदर्शी पर, माइक्रोस्कोप पर बात करता है, अब वो कोई सा भी दे, सिंपल माइक्रोस्कोप दे या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे, मतलब अगर आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी दे या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दे, अगर वो आप लोगों को बोलता है ना ओनली मैग्निफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, तो आपको दोनों केसेस में बात करनी है, हमेशा हमेशा दोनों केसेस में बात करनी है। और अगर किसी एक केस में करना है तो लिख देगा यहाँ पे बाकायदा आप लोगों को लिख देगा यहाँ पे कि व्हेन, ठीक है ना, पूरा फाइंड आउट मैग्निफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। आप लोगों के पास एक सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करो जब अंतिम प्रतिबिंब निकट दृष्टि दूरी पर बनता है या अनंत पर बनता है, तो वो आपको देता है, तब तो एक ही केस में करना है। लेकिन अगर वो सिंपल आवर्धन क्षमता पूछता है आप लोगों से, तो आपको दोनों केसेस उसको करके दिखाने। आई बात समझ में? देखो जल्दी से इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल ऑफ इट्स साइज। तो वो कह रहा है कि आप लोगों को बताना है कि आप लोगों के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी दे रखी है आप लोगों को कितना, 10 सेंटीमीटर। मतलब आप लोगों के पास इस तरीके से एक ये उत्तल लेंस हो गया और इसकी फोकस दूरी आप लोगों को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो वो बता रहे कि आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, आप बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब से कितनी दूरी पर रखें कि आप लोगों को जो इमेज मिले, जो प्रतिबिंब मिले, वो क्या हो आप लोगों के पास, इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। मतलब जो प्रतिबिंब बने वो प्रतिबिंब बिंब के आकार का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ठीक है ना, दोगुना होना चाहिए। अरे बात सुनना आप लोगों को, कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के आकार से कितने गुना है आप लोगों के पास, दो गुना है। तो कितने गुना है, अब आपको ध्यान से देखना कितने गुना है। मतलब एक तरीके से आप लोगों को आवर्धन दे दिया कि नहीं दे दिया, मैग्निफिकेशन, और ये कितना दे दिया, 2, डबल दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अरे बस में, और आप लोगों के पास ये उत्तल लेंस है, फोकस इसका जो फोकस होगा, ठीक है ना, जो फोकल लेंथ होगी वो आप लोगों के पास कितनी होगी, प्लस 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अपन को यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, अपन को कैलकुलेट करना है यहां पर यू। अब आपको ध्यान से देखना, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा आवर्धित बनता है, बड़ा होके बनता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो फैक्ट है कि यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास इमेज वर्चुअल है, तब तो हमेशा क्या बनेगी, आवर्धित मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगी कि नहीं होगी, ठीक। और आप सबको पता था कि अगर आप लोगों के पास बनने वाली इमेज, ठीक है ना, अगर वर्चुअल है, आभासी है, बनने वाला प्रतिबिंब अगर आभासी है, तो याद करो आप लोगों के पास जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है ना, जो आवर्धन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बता चुका हूं मैं हर बार। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कॉन्वेक्स लेंस है,
वो वर्चुअल इमेज को तो मैग्नीफाई करता ही करता है, आभासी प्रतिबिंब को आवर्धित करता ही है, लेकिन साथ में वो वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि जब आप लोगों के पास बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, फोकस ठीक है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, तो जो फाइनल इमेज जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। और क्या बनता है आप लोगों के पास, मैग्नीफाइड बनता है कि नहीं बनता है, आवर्धित बनता है कि नहीं बनता है, बड़ा बनता है कि नहीं बनता है। आप सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट आप लोगों का एफ और टू एफ के बीच में, तो बनने वाली जो इमेज होती है वो बियॉन्ड टू एफ होती है, या बिटवीन इनफाइनाइट एंड टू एफ होती है, और लार्ज होती है, और ठीक है ना, साथ में रियल भी होती है। तो अगर आप सबको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट मीन बनने वाली इमेज क्या है, रियल है। लेकिन अब कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसने कॉन्वेक्स लेंस में दे तो दिया कि डबल इट्स साइज, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि आप लोगों के पास जो इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। इट मीन्स हो सकता है कि m प्लस टू भी हो सकता है, और हो सकता है कि m माइनस टू भी हो सकता है। हो सकता है अगर वर्चुअल है, आभासी है, तो प्लस टू लिखेंगे, और अगर सपोज बनने वाला प्रतिबिंब जो इमेज है अगर वो रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे अपन लोग, माइनस टू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरिवास में। तो अपन को यहां पे दोनों केसेस में, प्लस टू वाले केस में भी और माइनस टू वाले केस में भी, अपन लोगों को यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अरिवास में, क्योंकि दोनों केसेस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों में क्या होगा आप लोगों के पास वैल्यू अलग अलग होगी, अरिवास में आप लोगों को, ठीक। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं लेंस फॉर्मूला पे बात करता हूं, लेंस फॉर्मूला पे बात करता हूं, तो लेंस फॉर्मूला कितना होता है, वन अपॉन में F इक्वल टू वन अपॉन में V माइनस वन अपॉन में U होता है कि नहीं होता है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे U को इधर लेके आ जाओ, देन वन अपॉन F प्लस वन अपॉन में U इक्वल टू वन अपॉन में V हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ये कितना जाएगा, एफ यू, एफ यू, और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास एक तरीके से एफ प्लस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू वन अपॉन में वी। इस यू को ऊपर ले जाओ, तो ऐसी कंडीशन पे F प्लस यू अपॉन में कितना बचा, F इक्वल टू कितना हो गया, U अपॉन में V हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब आप सबको पता होता है कि लेंस के केस में, ठीक है ना, लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, लेंस के केस में जो आवर्धन होता है, याद करो मैंने बताया था एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू V अपॉन में U होता है कि नहीं होता है। तो M इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो V अपॉन में U, तो M इक्वल टू मेरे पास यहां पर एक तरीके से हो गया V अपॉन में U, तो यहां पर U अपॉन में V, इसको उल्टा कर दूं पहले मैं, हो जाएगा F अपॉन में F प्लस U इक्वल टू V अपॉन में U हो जाएगा, और V अपॉन में U किसके इक्वल है, M के इक्वल है कि नहीं। तो आप लोगों के पास M इक्वल टू यहां से कितना जाएगा, F अपॉन में F प्लस U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप देखो, आपको M पता है दोनों केसेस में, आप लोगों को F पता है, ठीक है, तो अपन को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, U। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूं, M इक्वल टू F अपॉन में F प्लस U, और अगर मेरे को V कैलकुलेट करना होता यहां पर, तो मैं क्या करता, अब इस V को इधर लेके चला जाता, ठीक है, सॉल्व करता, और जो वैल्यू आती वो किसके फॉर टर्म में जाती, V की टर्म में जाती, तो मैं V कैलकुलेट कर लेता। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो M इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, F अपॉन में F प्लस U हो गया, ठीक। देखना अब आप लोग, देखना आप लोग, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता लग गया, m इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, f अपॉन में f प्लस u। अब बात करता हूं केस फर्स्ट की, जब आप लोगों के पास m इक्वल टू कितना होगा, प्लस टू होगा, ठीक। तो m इक्वल टू प्लस टू पुट करो, तो प्लस टू इक्वल टू, अब f कितना जाएगा, प्लस टेन अपॉन में यहां पर जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों के पास इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एंड ट्वेंटी प्लस 2u इक्वल टू कितना जाएगा 10। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों को ये माइनस 20, ठीक है, तो 2u इक्वल टू माइनस 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो u इक्वल टू आप लोगों के पास माइनस का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी बस माइनस तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि लेंस के इधर की तरफ है, और 5 सेंटीमीटर, अब आप खुद देख लो फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये आप लोगों के पास इस तरीके से, तो यहां पे फोकस है और यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर, तो फोकस अब आपका ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं पर होगा कि नहीं होगा। अब आप सबको पता है कि इस वाले केस में जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या बनेगा आप लोगों के पास, आभासी वर्चुअल बनेगा कि नहीं बनेगा,
पीछे की तरफ बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा आप लोगों के पास, पीछे की मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ, ठीक ना, ठीक ना, इसके पीछे की तरफ बनेगा। अगली बात समझे आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट चलो, अब अगर मैं ले लेता हूं m इक्वल टू माइनस टू, यहीं पर ही कर देते हैं अपन इसको सॉल्व, तो माइनस टू लेते हैं कितना रहेगा, माइनस टू यहां पे पुट करो, माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन अपॉन में टेन प्लस यू हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा आप लोगों के पास, माइनस का ट्वेंटी माइनस का टू यू इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन, ये माइनस उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टू यू इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के, माइनस का टू यू इक्वल टू कितना जाएगा प्लस थर्टीन, तो यू इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का फिफ्टीन सेंटीमीटर। आई नहीं बस समझ आप लोगों को, देखो जल्दी से एक बार इसको।